तो हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम बहुत ही जल्दी उठ गए हैं, बिस्तर इस तरह हमने छोड़ दिया है और सूरज भी उग गए हैं और मौसम ज़्यादा ही लगता है उजाला हो गया है। आज तुम्हारा भाई बहुत सारा काम करेगा। क्या काम करोगे तुम? आज तक तो काम किया नहीं तुमने, आज क्या काम करने वाले हो? अरे बाथरूम साफ कर दो, झाड़ू पोछा वगैरह लगाऊंगा और क्या। बाथरूम साफ कर दो थोड़ा। बाथरूम साफ क्या होता है, मैं करता ही हूँ बाथरूम साफ, नहीं करता क्या? हाँ बहुत ज़्यादा। आज मैं सोच रहा हूँ थोड़ा नहाने का, दे क्या बनता है टाइम टेबल देखते आज हैं। कोई स्पेशल है क्या? 1 महीने तक तो नहाया नहीं तुमने। एक महीने तक दोबारा मत बोल रहा, ठीक है ना? सबको बताया मैं नहाता हूँ और काम भी करता हूँ। 1 महीना हो गया तुमने नहाया नहीं नहीं ना है, 1 महीने से आप थे भी पहले यहाँ, ये बात करो। वहां से लाइव देख रहे थे क्या? हम मेरा सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। देख रहे हो गए? तो आज का ब्लॉग काफी मजेदार होगा और देखते हैं आगे को क्या होता है, खूब सारी मस्ती। और सुबह सुबह पी लेते हैं हम चाय। चाय भी पता नहीं क्या बना रखा है, एकदम काला है। ग्रीन टी है, ठीक हो गया। और ये देख लीजिए मिस्त्री में ये मिलता है। चाय तो मैंने पी ली है बट मेरा हाथ में जो कप था वो कप मेरे हाथों हाथ से गायब हो गया है। कहाँ गया? मैं खोया खोया रह गया सपनों में। कैसे सपने आए? प्यार हो गया। मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत लेना गाइस। तो तुम्हारे भाई ने काफी काम करने हैं और काम क्या है, पहला काम हमारा वही होता है नहाना धोने का। और देख लेते हैं पानी है नहीं है आज, पता नहीं बाथरूम क्या है भाई सीन। पानी तो है, सोच रहा हूँ कि ठंडे पानी से ही नहा लूँ। ये कहते हैं कि नहाता नहीं है नहाता नहीं है, ये रोज का तमाशा है इनका। क्यों नहीं नहाता हूँ मैं? नहीं तो हमारी शक्ल ऐसी होती है, हद हो गई है। तो पानी कैसा हो रहा है? कहाँ हाथ डाला मैंने? बात करे पानी देख के थोड़ा आप फीलिंग अंदर से आ रही है कि सोच रहा हूँ कल कल आता हूँ बहुत ही ज्यादा पी। यार पानी को मान गया यार, पानी ने डरा दिया पहले हाथ डाल दे। थोड़ा गर्म पानी में लगाता हाथ तो क्या पता जोश बनता अंदर से, वहाँ ठंडे में हाथ डाल दे। ये पोपट हो गया सारा आज और फिर से पोपट। होपफुली अपना भी हो ही गया है, नहाना धोना खाना पीना नहीं, खाना पीना नहीं मतलब। यह दूध रख रखा हुआ है और पानी भी आ ही रहा है, जैसा भी है तैसा भी है, काम सब हो ही रहा है। और जैकेट आपको दिखाया है मैंने, हाफ चैन वाला मिल रखा है आजकल, BS6 आ रखा हुआ है, नया लॉन्च हुआ है इंडिया में। इसी तरह रोज की तरह बुआ जी की हो रही है 2 बत्ती जला के पूजा, देख रहे होंगे 2 बत्ती दिख रहे हैं नहीं? हाँ दिख रहे हैं, ठीक हो गया। और मिस्टर यूबी पांडे भी अगमुच के आ गए हैं। आ ही गए हो ना सर? आ गए हो? नहाया नहीं पोतिया ने भी? नहाया नहीं, भाभी पता नहीं कहाँ ले गए थे उसको, 15-20 मिनट वहाँ लगा दिए। ये बाथरूम में बैठता है तो ये पता नहीं फोन दिखा करता है हफ्ते टाइम भी। हे भगवान, ये फोन कौन देखता है यार? ये हफ्ते टाइम भी हमारा वाली सीन कर रहा है, ये भी हद हो गई। हमारा वाला सीन कह रहा हूँ मैं भी, मैं करता हूँ क्या ऐसा? नहीं नहीं ऐसा क्यों करता? वैसे मैंने बिस्तर इस तरह सारा फोल्ड कर लिया है, बोले फिर मैं आप करता हूँ कोई काम। काम क्या होता है अपने, वही हुआ दिनचर्या जैसे कट रही है और ब्रेकफास्ट कुछ बना नहीं है, अभी टाइम लगेगा बनने में। पानी भी भरने वाला है और पानी ही बंद हो गया है, कहाँ से भरेगा? तो मैंने भी पी लिया है मेरे ख्याल से दूध। तो मेरा फ़ोन का आजकल बैटरी बहुत कम टिक रही है, लगता है यार वीडियो कुछ दिन बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे। मैंने नए ग्लव्स लिए थे, ये ग्लव्स जो मुझे दिक्कत सबसे आई और राइडिंग के लिए लॉन्ग ड्राइव पे और जब मोटर बाइकिंग करते हैं उस टाइम के लिए है। इसमें देख रहे होंगे आप जाली, जाली से ये है कि हवा आ जा रही है, जो अंदर पसीना बनता है ना पसीने को सुखा देती है हवा। बट मुझे थोड़ा पसंद नहीं आया ठंड में, मतलब उतने कंफर्टेबल नहीं है जो ठंड को रोक पाए, मज़ा नहीं आया। जैसा भी है ठीक ही है, क्या करना, आ गए तो आ गए, उनको बात करी मैंने वो रिटर्न नहीं होगा, रिप्लेसमेंट होगा बोल रहे हैं। ये पोते इतना ज़्यादा शैतानी करता है कि इसने कुर्सी तोड़ दी थी, अभी मैं इनको पीट दूंगा बता रहा हूँ। जुकाम भी लग रखा हुआ हुआ है, कहना क्यों नहीं मानते हो? पिटाई करूँगा मैं आप। तो उसको लेते हो अपने से बड़ा कुर्सी ले जा रहे हैं, देख रहे हो? इधर इधर दे, इसको इधर दे, छोड़ से छोड़ छोड़। पापा ये मार के चले गया, देख रहे हो? वहाँ से देख रहा है, लगेगी दरवाजे पे आगे पीछे। भाभी गोंद रहे हैं यहाँ पर आटा, आज इतना आटा किस लिए गोंद रहे हो? 10 रोटी तो तुम खाओगे, 10 मैं 10 मम्मी। अब आपको पता है कि मैं कम से कम 5 रोटी खा लेता हूँ,
अच्छी सब्जी बनी हो तो 6 रोटी खा लेता हूँ, बट ये दादी ही बोल दी। बनाती मैं हूँ, मुझे पता है। ये पता नहीं कौन सा मजाक हो रहा है हमारे साथ, हमें ही समझ नहीं आ रहा है। और आटा इतना गोद दिए कि दोनों हाथों से ताकत लगा 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 के क्यों क्यों करता है, नीचे गिर गया आज, ये गिरता है नहीं। चलिए फिर करते हैं अपना नाश्ता यानी ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में क्या बन रखा है हमारा, आज बना है मडुए की रोटी, देखा होगा बहुत लोग खाते हैं, इसका सबसे फेवरेट है। पता नहीं बुआ जी का वो बहुत पुराना आटा था जो आप बना दिया इन्होंने, और आलू प्याज की सब्जी बनी है। चलो खा लेते हैं फिर हम भी। तो खा लिया हमने भी ब्रेकफास्ट, खा लिया ब्रेकफास्ट को, खा लिया कर लिया नहीं, खा लिया खा लिया। जहाँ पर चलेगा हमारा आज पानी का काम, देख रहे होंगे आप, ये है पाइप पकड़ा हुआ और थोड़ा थोड़ा उगने लग गया है, तो अच्छा लगता है ना यार थोड़ा थोड़ा सा। ओए बाबा फोन ही फूट गया बुआ जी, लो आज तो फूट ही गया गाइस। हाँ अब तो बंद भी नहीं होता है। क्या हो गया, बंद हो गया? ऐसा काम करता है ना, जा सूखे कपड़े से साफ कर। फाइनली गाइज हमारा फोन आज टूट गया है, फिर भी मतलब वीडियो बन रही है, दो चार दिन चलाते हैं उसके बाद वीडियो बनानी बंद, कहीं नहीं हो रहा फायदा। अपने को हो गया है 14-15 हजार रुपए का नुकसान, पूरा मुंबई मिट्टी में गिर गया था फोन, और पीछे से अभी भी चार्जर में काफ़ी मिट्टी घुसी हुई है, उसके लिए इम्पॉसिबल। तो अर्जेंटली काम है कि हमारा भाभी का हो चुका है स्वास्थ्य खराब ना, क्या हुआ है, ब्लड प्रेशर लो हो चुका है, इनको दिखा के लाता हूँ थोड़ा मेडिकल। चलो फिर निकलते हैं, तो ले लिया हमने दवाइयाँ, निकलते हैं घर को। बीपी भाभी का नापा ठीक है बोलते हैं। फाइनली गाइस देख लीजिए भाभी क्यों क्यों अवतार आ रहा है, क्या टीका चंदन लाऊं है सब इसके करना में, देख लीजिए इस कुकर की सीटी आने से इनके हालात। तो क्या करा इसने, बेहोश करा है। प्रज्वल कुछ बोल ना, यू भी कुछ बोलेंगे, अब हो गया तो हो गया भाई। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। तो अपना टाइम भी हो गया है, वही जाने का बर। लंच में आज बना क्या है, क्या बन रखा है भाभी बताइए, आज आप खा रहे हो नहीं खा रहे हो लंच? तो ये लंच नहीं करेंगे, और रोटी बन रखी है वही मंडुए की, पूरे दिन भर वही ठोसेंगे हम पेट में, और कुछ है बस। उसके लिए स्पेशल कट रखा हुआ है गाजर, इसको खाइए मज़े लीजिए। घोंट की दाल बनी हुई है, सबसे गर्म है, ठंड में सबसे ज़्यादा इसी का सेवन किया जाता है, जिससे बॉडी में और तेज़ी से गर्माहट आती है, दौड़ भाग करने और काम करने में इम्यूनिटी बढ़ाती है। तो रोज की तरह हो गया है अपना टाइम भी जाने का, और इसी के साथ करते हैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड। अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल पर जाके वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, लाल वाला बटन भी जरूर दबा देना, नए हो तो घड़ी की घंटी भी ला देना, नेक्स्ट वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ जाएगी। मिलते हैं आपको खूब मौज मस्ती के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, जय देव भूमि, जय उत्तराखंड।